नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया टोप्पो, प्रस्तुत है समाचार। सरकारी राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं झामुओ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नगर परिषद द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। वार्ड नंबर 16 में दानरो नदी किनारे स्थित टैक्सी टेम्पो स्टैंड में लगभग 6 महीने पहले ही सरकारी राशि से PCC ढलाई किया गया था, ताकि वाहन लगा रहे लोगों को धूल और कीचड़ का सामना न करना पड़े। अब उसी स्थल पर PCC ढलाई को तोड़कर वार्ड विकास केंद्र बनाया जा रहा है, जो सरासर सरकारी राशि का दुरुपयोग है। साथ ही टैक्सी टेम्पो स्टैंड पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड 16 की जनता ने गढ़वा विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन देकर काम रोकने की मांग की है। वार्ड वासियों ने आवेदन के माध्यम से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को बताया कि उक्त टेम्पो स्टैंड पर अतिक्रमण से वहां ठेला खोपचा की दुकान लगा रहे स्थानीय लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर में आस्था रखने वाले लोगों ने भी निर्माण कार्य का विरोध किया। दलित समाज के लोगों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष उक्त स्थान पर बाबा भीमराव अंबेडकर का कार्यक्रम होता है, यह निर्माण उस कार्यक्रम को रोकने के लिए एक साजिश है। मामला संज्ञान में आते ही मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी से बात कर उक्त निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दे दिया तथा वार्ड विकास केंद्र के लिए अन्यत्र जगह देने की बात कही। दुबे ने कहा कि नगर परिषद को अब पुरानी संस्कृति बदलनी पड़ेगी। हेमंत सरकार में सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विधायक के तरह अब उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वाला कोई नहीं रहा। पूर्व में हुए नगर परिषद द्वारा भ्रष्टाचार का भी जल्द जांच करवाया जाएगा। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ अमृतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।